दोनों ही पार्टियों के अंदर महापौर चयन को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में भी महापौर चयन की कवायद जारी है और बीजेपी मुख्यालय में महापौर प्रत्याशी को लेकर अहम बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर वी सतीश, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुना मेघवाल, कैलाश चौधरी आदि बैठक में शामिल हैं। वर्चुअल माध्यम से सतीश पूनिया और चंद्रशेखर जुड़ेंगे। बैठक के दौरान ही तय किया जाएगा नाम, फिर बाड़ेबंदी स्थल पर दी जाएगी इसकी सूचना। तो जयपुर ग्रेटर के अंदर किसको मेयर बनाया जाए, किसको जिम्मेदारी सौंपी जाए और क्या जयपुर हेरिटेज के अंदर भी किसी नाम को आगे किया जाएगा, ये मंथन चल रहा है क्योंकि जयपुर हेरिटेज के अंदर कांग्रेस अपना बोर्ड बना रही है, बहुमत से ज्यादा उनके पास संख्या बल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात ग्रेटर की जाए तो ग्रेटर के अंदर बीजेपी अपना बोर्ड बना रही है। हालांकि आपको याद होगा कि कल प्रताप सिंह खाचरियावास से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी के अंदर कोई असंतुष्ट नेता हैं, पार्षद हैं, तो फिर वो सोच सकते हैं। उनका इशारा ग्रेटर की तरफ था। निर्णायक तो क्या पार्टी के सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं, मैं भी उनके साथ सहभागी बनूंगा और सब लोगों की राय जो मिलेगी उस हिसाब से निर्णय करेंगे। गुलाब जी, वैसे एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि इस बार विधायकों को पूछा ही नहीं गया, चाहे विधायक रहे या पूर्व विधायक रहे। अगर नहीं पूछा, अच्छा नहीं पूछा होता तो 130 सीटें जयपुर में आती क्या? नहीं, महापौर प्रत्याशी सरकार, अरे बात सुनो, सरकार उनकी मन चाहे गठन किया, मन चाहे जो एक ऐसा विष गोला है जो आगे आने वाले 10 साल के बाद ये जयपुर भुगतेगा, जो मेरे शब्द आज नोट कर लेना, मैं दुनिया में रहूं ना रहूं पर आप यहाँ जनता इसको महसूस करेगी कि जो विष जो जिस ढंग से बोया ना, इसका जब फल लगेगा तब ये जयपुर भुगतेगा। सामान्यतः हमारे यहाँ ऐसा कभी होता नहीं, हम सबसे पूछते हैं, कोशिश करते हैं, हर एक की राय जानते हैं, लेकिन किसी की राय थोपी जाए ये हम न तो संगठन ने कभी माना है, न गुलाबचंद का भी नहीं माना। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिसीमन किया गया, जिस तरीके से वार्डों का गठन किया गया है, वो एक ऐसा विष जो 10 साल के बाद जब फल देगा तो फिर जयपुर की जनता भुगतेगी। अपने वही तो लिखे दिए प्रदेश नेतृत्व के सामने रखे, वो गिफ्ट वही खुलेगा, वो गिफ्ट वही खुलेगा, दिखा दीजिए एक बार गिफ्ट। किस तरह से राय सुमारी करके आए, क्या है पूरा? ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे में क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है, इस डिब्बे में पार्षदों की जनभावना है। हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जो हमारे पार्षद जीते हुए उनसे हमने ये कहा था कि जो भी मेयर का उम्मीदवार है वो कृपया अपना नाम लिखा दें। 8 पार्षदों ने अपना नाम लिखाया था। फिर उसके बाद में हमने सबसे कहा कि इन 8 के प्रति जिनकी जो भावना है वो अपने विकल्प फर्स्ट और सेकंड नंबर लिख के दे दें। उन्होंने सबने अपनी सहमति दी है, उसके अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से जो भी निर्णय होगा वही घोषणा करेंगे। यहाँ पर कब तक ये प्रदेश की जो कोर कमेटी है वो कोर कमेटी बैठ के निर्णय करेगी। कब तक हो जाएगा? आज ही होगी, आज ही, एक घंटे में कर देंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी। देखिए आज तो करना पड़ेगा क्योंकि 3 बजे तक नामांकन करना है और 3 बजे तक नामांकन करना है तो कम से कम 2-2.5 बजे तक तो नाम को फाइनल करना ही होगा, यानी अगले 3.5 घंटों में तो नाम फाइनल वैसे ही हो जाना है। कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और सब में एकजुटता है और निश्चित रूप से हमारे जोधपुर और कोटा और जयपुर में मेयर बनने जा रहे हैं। कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि कोटा दक्षिण के अंदर भी उनका मेयर बनने जा रहा है। दरअसल उन्होंने इसकी रणनीति तैयार तो की है, वहां 36 का आंकड़ा है, 36 कांग्रेस, 36 बीजेपी। ऐसे में बीजेपी ने 3 पार्षदों को और अपने पाले में ले लिया लेकिन उससे आंकड़ा होता है 39। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि 5 पार्षद उनके संपर्क में है और बीजेपी के भी 2 पार्षद उनके संपर्क में है। अगर वो सही माने तो फिर उनका आंकड़ा हो जाता है 43, जो बहुमत के 41 के आंकड़े से ज्यादा है। बहरहाल वहां जब वोटिंग होगी तब तस्वीर सामने आएगी कि बीजेपी से कोई सेंधमारी कांग्रेस में होती है, कांग्रेस से सेंधमारी बीजेपी में होती है, निर्दलीय किसके पक्ष में होंगी, ये मेयर के चयन के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज सबकी नजर इस बात पर है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से मेयर
पद का उम्मीदवार कौन होगा। छह निगमों के अंदर जोधपुर दक्षिण के अंदर बीजेपी ने अपनी तस्वीर साफ कर दिया। विनीता सेठ वहां से मेयर पद के प्रत्याशी हैं। 3 बजे से पहले सभी को नाम फाइनल करने हैं, और ना सिर्फ नाम फाइनल करने हैं बल्कि उनका नामांकन भी कराना है। और बीजेपी के अंदर ये मंथन चल रहा है। प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मेयर का सबसे पहले ये सुझाव लिया गया कि प्रत्याशियों से कि कौन कौन मेयर पद के लिए दावेदार हैं वो अपने नाम दे। 8 नाम सामने आए, उसके बाद उन 8 नामों पर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे वोटिंग कराई गई कि आपकी प्राथमिकता कौन है, दूसरी प्राथमिकता कौन, तीसरी प्राथमिकता कौन। इस तरीके से उस एक तरीके से मैंडेट को डब्बे में बंद करके लाया गया है। कोर कमेटी इस पर फैसला करेगी कि जो प्रत्याशियों की तरफ से नाम सुझाए गए हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा वोट हासिल कर रहा है क्या उसी को मेयर बनाया जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण को साधने के लिए और ध्यान में रखते हुए कोई और नाम भी सामने आ सकता है। बहरहाल आज इसकी तैयारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कर दी और कुछ ही देर में नामों का फैसला भी हो जाएगा क्योंकि 3 बजे तक नामांकन करना है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, बीजेपी ने कम से कम एक मामले में बढ़त हासिल किया और वो ये कि जोधपुर दक्षिण से सबसे पहले नाम उन्होंने सामने रख दिया है, लेकिन जयपुर को लेकर जानना चाहेंगे आपसे, क्या हेरिटेज से भी बीजेपी किसी को मेयर पद के लिए उतारेगी? देखिए, हेरिटेज की बात से पहले यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम जयपुर की बात करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत है और ग्रेटर को लेकर ही सबसे ज्यादा जद्दोजहद है कि आखिरकार किसे उतारा जाए, किसे मेयर बनाया जाए, क्योंकि हेरिटेज के लिए फिलहाल जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है कि किस तरीके से जोड़ तोड़ की जा सकती है। यहाँ पर सेंधमारी यदि कांग्रेस में बेटर तरीके से होती है तो फिर हेरिटेज में कुछ संभावना भारतीय जनता पार्टी की बनती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर संघ कार्यालय पहुंचे थे, निंबाराम जो क्षेत्र प्रचारक हैं उनसे मुलाकात की थी, उनसे पहले अल सुबह उन्होंने मुलाकात की थी प्रचारक विनायक से, उसके बाद प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र से मिले थे। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 13 नंबर सिविल लाइन्स पर लंबी मंत्रणा उनकी हुई थी। तो लगभग सौम्या गुर्जर का नाम फिलहाल माना जा रहा है, लेकिन इसमें एक और पेच आया है। जयपुर शहर के कई उद्योगपति और व्यापारी जो हैं वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, उन्होंने सुप्रीत रंधावा बंसल को लेकर लॉबिंग की है क्योंकि वैश्य समाज के तौर पर उन्हें वो देखते हैं कि वैश्य समाज को मौका दिया जाए। ये उद्योगपतियों व्यापारियों की दलील है कि वैश्य समाज की मेयर हो, क्योंकि ओबीसी से है वो, विवाह के उपरांत ओबीसी है। जिस तरीके से सौम्या गुर्जर की जाति है वो सोनी है, गुर्जर से शादी की है तो सोनी और गुर्जर है, तो वैसे ही वो रंधावा और बंसल है। तो उनके अलावा एक और नाम है, यदि पर्ची में जो नाम लिखकर दिए गए हैं, पर्ची के नामों की अगर जानकारी ली जाए तो पर्ची में कई तरीके के नाम हैं, उन नामों में रश्मि सैनी का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। यहां पर माली को बनाया जाएगा, गुर्जर को बनाया जाएगा या वैश्य को बनाया जाएगा, इस पर फैसला होना है। बैठक में डॉक्टर सतीश पूनिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, वी सतीश यहीं पर है, प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। वी सतीश के अलावा तीनों केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं। तीनों केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात करें तो यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, और एक और अपडेट में दे दूं, अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहां पर आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अरुण चतुर्वेदी से कि वो किस तरीके से देखते हैं विधायकों और पूर्व विधायकों की राय ली जानी चाहिए क्या? देखिए, पार्टी संगठन मिलकर सबसे जिससे जरूरी हो सराय करेंगे, लेकिन भाई साहब देखिए यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पूर्व विधायकों और विधायकों से सलाह मशवरा किया जाए या नहीं किया जाए, ये बड़ी बात है। पूर्व विधायक और विधायक किसके नाम को आगे करते हैं ये अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल जो नाम है उन नामों में मैं पहले ही बता चुका हूं कि टॉप पर सौम्या है, उसके बाद सुप्रीत बंसल का नाम तेजी से आया है, रश्मि सैनी का नाम भी है। रश्मि सैनी जो है वो माली तबके से है। अब किसको लेकर फैसला होना यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सबके परे एक चेहरा ऐसा है जिस चेहरे ने सबसे ऊपर के स्तर तक भाजपा में उच्च नेतृत्व तक अप्रोच की है, वो है कविता कटियार, जिनके की देवर जो है वो मीडिया में
भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के प्रभारी हैं, उन्होंने भी अपनी अप्रोच लगाई है। हालांकि वो कुर्मी जाति से है, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मूलतः अब राजस्थानी ही माना जा सकता है। लंबा अरसा उन्हें राजस्थान में रहते हुए हो गया। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का है। बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक में कुछ देर में फैसला होना है। बिल्कुल ऐश्वर्य, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने पूरे तरीके से विश्लेषण इस बात का कर दिया कि कौन कौन हो सकता है और जो होगा वो किस वजह से होगा। लेकिन मानकर चलें कि अगले एक डेढ़ घंटे में नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक तो नामांकन ही करना है। देखिए, थोड़ी देर में ही नाम फाइनल करना होगा, ज्यादा समय है नहीं है। जयपुर ग्रेटर के लिए तो नाम फाइनल अभी ही करना होगा। हेरिटेज को लेकर किसे ये आगे करते हैं ये देखने वाली बात होगी। हेरिटेज को लेकर भी जद्दोजहद लगातार जारी है, क्योंकि हेरिटेज में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस है। ऐसे में सेंधमारी है वो बहुत कम संभावनाएं हैं। सेंधमारी जैसी कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन उन कोशिशों में सफल कितना हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ग्रेटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि ग्रेटर में आखिरकार किस चेहरे को लेकर सहमति बनती है। गुलाबचंद कटारिया एक बात बोलकर गए हैं, वो बोलकर गए हैं कि मैं आज भले ही इस दुनिया में 10 साल बाद रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि जयपुर शहर के जो दो टुकड़े किए गए हैं ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा, कभी सही नहीं होगा, और ये तमाम लोग जो है वो पछताएंगे कि उन्होंने फैसला सही नहीं किया था, क्योंकि 2 नगर निगम बने हैं, इसको लेकर नाराजगी। तो दूसरी तरफ एक और अपडेट दे दूं, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर भी 3 संभागों की बैठक होनी है। जोधपुर, उदयपुर और जयपुर, 3 संभागों को के जो है नाम जो है वो फाइनल होने हैं। पैनल में 3-3 नाम यहां पर भेज दिए गए हैं, ये एक और अपडेट है। तो नगर निगम और दूसरी तरफ जी पंचायत में जिला परिषद। अच्छा ऐश्वर्य, एक और सवाल आपसे, क्या कोटा दक्षिण को लेकर भी मंथन जयपुर में बैठकर हो रहा है या वो कोटा के अंदर हो रहा है, और कोटा से जो फैसला आएगा प्रदेश बीजेपी उस पर मोहर लगा देगी? मेरे कैमरा सहयोगी आपको तस्वीर दिखाएंगे, बैठक जो शुरू हुई है उस बैठक की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बैठक है उसकी तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी में जो बैठक चल रही है उसकी विजुअल्स मेरे कैमरा सहयोगी आपको तक पहुंचा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। वी सतीश आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं बीजेपी ऑफिस की, जहां बैठक शुरू हो चुकी है। अलका गुर्जर, इसके अलावा मदन दिलावर, अर्जुना मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, वी सतीश, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र शेखावत, अरुण चतुर्वेदी, ये तमाम नेता, वासुदेव देवनानी, रामलाल शर्मा, तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहां मौजूद हैं। और ये दरअसल वो बॉक्स है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि पार्षदों का मैंडेट है। पार्षदों ने किसके नाम पर मोहर लगाई है वो इस बॉक्स के अंदर है। हालांकि जैसे ही बैठक शुरू होगी मीडिया को बैठक से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं बैठक के अंदर की, जहां कौन कौन से नेता मौजूद ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गजेंद्र शेखावत मौजूद है, कैलाश चौधरी मौजूद हैं, अर्जुना मेघवाल मौजूद है, 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा मौजूद हैं जिनको जयपुर की जिम्मेदारी दी गई, वासुदेव देवनानी मौजूद हैं, इसके अलावा मदन दिलावर मौजूद हैं। और एक गहन मंथन नाम को लेकर किया जाएगा, कौन कौन से नाम उसके अंदर हैं ये मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान बता चुके हैं। इस दौरान वैश्य, माली और गुर्जर, 3 जातियों से 3 नेता जिनके नाम यहां सामने आ रहे हैं। और इस सबके अलावा एक और नाम जो कटियार, उनके बारे में मेरे सहयोगी ने कहा भी, बताया भी कि ऊपर तक लॉबिंग की गई है, लेकिन उस लॉबिंग का असर कितना होगा ये अपने आप में देखने वाली तस्वीर होगी। और जो ये बॉक्स है रामलाल शर्मा के पास, जो बॉक्स है
इसमें जो पार्षदों का मैंडेट बताया जा रहा है उसमें किसका नाम है और उस नाम पर क्या अंदर कोर कमेटी सहमति देती है, यह अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। सतीश पुनिया वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, चंद्रशेखर वर्चुअल माध्यम से इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सतीश पुनिया की तबीयत नासाज है, उनको दोबारा कोरोना हुआ है, वो इलाज करा रहे हैं, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से वो जुड़ेंगे।